सोलन नगर निगम में चुनाव बिल्कुल समीप आ चुके हैं, जिसके कारण भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता बेहद सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि इस बार जो चुनाव नगर निगम के होने वाले हैं वे पार्टी सिंबल पर होंगे, इसलिए वे पार्टी के उम्मीदवार बनने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि वे भाजपा और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ नगर निगम चुनाव प्रभारी कार्यालयों पर भी सुबह शाम हाजिरी भरी जा रही है। सभी कार्यकर्ता अपनी अपनी जिम्मेदारी जता रहे हैं और अपने को पार्टी का सच्चा सिपाही भी साबित कर रहे हैं। वार्ड नंबर 12 से भी पूर्व पार्षद रहे सुनील जगा अपनी धर्मपत्नी अनु जगा के लिए टिकट मांग रहे हैं और अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को बेआधार बता रहे हैं। सुनील जगा का कहना है कि वे भाजपा के सच्चे सिपाही हैं और जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं। उन्होंने पिछले 10 वर्षों में जब वे पार्षद थे तो अपने वार्ड में बेहद विकास करवाए, जिन्हें आज भी जनता याद करती है। वार्ड आरक्षित होने के कारण वे इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि किस चुनावी रण क्षेत्र में उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़े और वे एक बार फिर से वार्ड का चहुमुखी विकास कर सके। उन्होंने कहा कि वे नालियां, सड़कें, बिजली की व्यवस्था अपने कार्यकाल में कर चुके हैं और अब वे चाहते हैं कि वार्ड में वृद्धों, युवाओं और महिलाओं के लिए कार्य करें और वार्ड 12 में विकास की नई इबारत लिखें। खाली बिजली, पानी, सड़कें, ये तो बहुत कुछ काम हो चुके हैं। अब निगम बन गया है और बजट भी बढ़ गया है, तो मैं ये चाहता हूं कि अब इस लेवल से ऊपर उठ के काम किया जाए। पार्किंग मैं अपने टाइम पे बनवा चुका हूं। मैं चाहता हूं कि अब वार्ड में डिस्पेंसरीज बने, कि लोगों को हेल्थ की सहूलत अब बने। शहर में बसेस लोकल चलें, निगम की बसेस चलें, बच्चों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरीज बने, क्योंकि 50 साल से यही मुद्दा नाली पानी ये वो, इससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा, तभी पता लगेगा कि ये काउंसिल नहीं है, अब नगर निगम है। यदि मेरी वाइफ यहाँ से इलेक्ट होकर जाती है तो मेरे मुद्दे इस समाज के लिए, इस शहर के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। पहले जब शुरू में मैं यहाँ पे आया तो मैंने कहा इस वार्ड में पार्किंग ऐसी चीज़ें बननी चाहिए, और मैंने इस एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से, सरकार के सहयोग से इस वार्ड के लोगों को मैंने दिया। लोग उस टाइम हंसते थे कि जगह जी ऐसे कैसे पॉसिबल होगा, मैंने ये पॉसिबल होगा। अब की बार यदि चीज़ें जैसे हाउस में जाएंगे, नगर निगम का पहले एक्ट उठाएंगे, कितना बजट आता है, कैसे आता है, क्या आता है, उसको देख के सब हम सब कुछ इन चीज़ों को हाईली मुद्दों पे ले चलेंगे कि बच्चों के लिए अच्छी सी वो हो, ट्यूशन मतलब पढ़ने के लिए कुछ उनको दिया जाए, कुछ उनके मतलब लाइब्रेरीज क्रिएट की जाएँ, हॉस्पिटल्स बन जाए। नहीं भी इतना बजट है, दो वार्डों को मिलाए एक मतलब डिस्पेंसरी खुल जाए, PSC खुले, उससे क्या होगा, लोगों को दूर ही जाना पड़ेगा और अपना जो है कि हॉस्पिटल पे भी रश कम हो जाएगा। और बाकी तो ये जो रिगार्डिंग जितनी कमेटी के म्यूनसिपैलिटी काम है वो रूटीन में चलते हैं, वो तो होने ही होने हैं, और जो भी जहाँ भी कमी होगी और ये सारी पूरी हो जाएंगी।